यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक से, रेडिएशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो रेडिएशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे और उसके बाद अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके तो चलिए देखते हैं अभी अच्छे से। तो काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर चालू है। हीट सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना ध्यान दो, हीट क्या है वो समझ लो सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी साइंस चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th में पढ़ा था हीट के बारे में, ठीक है। तो हीट में हमने क्या पढ़ा था कि जो हीट होती है ये एक टाइप की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म होता है और ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थ्रू दी मटेरियल मीडियम, किसी ना किसी मटेरियल के थ्रू ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है हीट फ्रॉम एक सिंगल ऑब्जेक्ट टू दी अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी ना किसी मटेरियल मीडियम के थ्रू हीट क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है एज अ एनर्जी, ठीक है। यही होता है हीट। तो ठीक है, आप बोलोगे कि अगर ए से बी तक जा रहा है बट इसको ए से बी तक जाने में यहाँ पे कितने सारे पाथ हैं, तो मोस्टली हमने अभी तक मोड्स ऑफ कंडक्शन यहाँ पे पढ़ा है हीट का 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन हो गया कंडक्शन, सेकंड वन हो गया कन्वेक्शन और थर्ड वन रेडिएशन, जिसमें से हम लोगों को आज इसी रेडिएशन के ऊपर फोकस करना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलिए, जो कंडक्शन होता है और कन्वेक्शन होता है ये जो दोनों मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, इन दोनों के थ्रू भी अपनी हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू भी, ठीक है। तो इन दोनों को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मोस्टली कंडक्शन और कन्वेक्शन, सपोज आपके सामने एक रॉड है और रॉड का ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, अगर आपने यहाँ पे हीट दिया ए पार्ट में तो धीरे धीरे इस मटेरियल के थ्रू क्या होगा, हीट जाएगा बी तक, ठीक है। इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करते हैं। सपोज इस कॉपर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल थे, आपने इस पार्टिकल को गर्म किया तो ये पार्टिकल क्या होता है, अपने ही एक्सिस में रोटेट होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है और इसी वाइब्रेशन के थ्रू वो अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर करेगा, फिर ये अपनी एनर्जी को इसके पास ट्रांसफर करता है, फिर ये इसको ट्रांसफर करता है, फिर ये इसको ट्रांसफर करता है, ऐसे करके अपनी हीट क्या होती है, कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफर होती है, जिसको मटेरियल मीडियम यानी कॉपर या फिर कोई ना कोई मटेरियल की जरूरत होती है ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है। जिस भी आप मेटल में यूज करोगे तो वो मटेरियल ही हुआ ना, तो आपको मटेरियल की जरूरत होती है कंडक्शन और कन्वेक्शन करने के लिए। बट जो रेडिएशन होता है यहाँ पे किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, किसी भी मीडियम की इसे जरूरत नहीं है, ठीक है, ट्रांसफर होने के लिए। मतलब अगर ए से बी तक आपको हीट को ट्रांसफर करना है थ्रू दी मोड ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ से कोई भी इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इट डजंट रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम, तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अभी मैं दिखाता हूँ कि जो हीट होती है वो रेडिएशन के थ्रू हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अगर कोई भी हीट रेडिएशन के मोड का इस्तेमाल करती है, रेडिएशन के थ्रू अगर कोई भी हीट ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होती है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है, ठीक है। जो ये एनर्जी है हीट की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है थ्रू दी रेडिएशन, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हमेशा वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और इसे ट्रेवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो ये बातें भी आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए रेडिएशन के थ्रू अगर कोई भी हीट ट्रेवल करेगी तो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जा रही है, सो इसका मतलब उसे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, कंसेप्ट आपको समझ गया होगा। नाउ जो ये रेडिएशन है ये नॉर्मली इमिशन ऑफ हीट को रिफर करता है। आप बोलोगे इमिशन का मतलब क्या है, तो देखो आपने कभी भी सुना होगा ना कि रेडिएशन जो होते हैं वो एमिट होते हैं, ठीक है। तो एमिट या इमिशन वर्ड का मीनिंग होता है, सपोज यहाँ पे कोई भी मैंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, यहाँ पे फिलहाल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, बट इमिशन वर्ड को समझाता हूँ। तो यहाँ से हमेशा क्या होता है, ऐसे ऐसे रेडिएशन निकलते रहते हैं, ठीक है। तो निकलना यानी वो रेडिएशन जो निकल रहा है उसे हम कहते हैं एमिट होना,
यानी कि इमिशन होना, समझा कि नहीं। तो जब इस मेटल के पास रेडिएशन रहे होंगे, इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी या रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रही होगी, तभी ये एमिट कर रहा है ना। तो ये बातें भी याद रखना, आगे चल के बहुत यूज होगा। सो रेडिएशन हमेशा इमिट होता है जब भी कभी भी हम हीट के थ्रू यानी कि रेडिएशन मोड के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो ठीक है, चलो, जो अपना रेडिएशन है ना, ये हमेशा अगर रेडिएशन के थ्रू कोई हीट ट्रेवल होती है तो वो मटेरियल मीडियम और दूसरा है यहाँ पे जो वैक्यूम मीडियम है, ठीक है। मटेरियल तो कोई भी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी मटेरियल की भी जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है, कैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो वेव होती है नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है और ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है। सो वैक्यूम में भी ये चल सकता है रेडिएशन, और रेडिएशन यहाँ पे मटेरियल मीडियम में भी चल सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसको मटेरियल नहीं मिला तो वो ट्रेवल नहीं करेगा, वो ट्रेवल करेगा, तभी भी ट्रेवल करेगा, बिकॉज क्योंकि वो वैक्यूम में भी तो ट्रेवल कर सकता है विदाउट मटेरियल मीडियम। सो रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो विदाउट रेडिएशन यहाँ पे विदाउट यानी कि मटेरियल मीडियम के भी, और अगर मटेरियल मीडियम अपने पास है तो भी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, चाहे वो वैक्यूम से जाए चाहे वो मटेरियल से जाए, कैसे भी यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है हीट की। और जो भी एनर्जी एमिशन के थ्रू ट्रांसफर होती है उसे हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। उस एमिटेड एनर्जी को, उस एमिटेड हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और ये जो मोड ऑफ एमिशन है ये सबसे फास्टेस्ट वे है, यानी कि जो कंडक्शन कन्वेक्शन था उससे भी फास्ट हीट ट्रांसफर होता है इस रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट था रेडिएशंस के बारे में, इन चीजों को आपको समझना है। अभी हम और भी अच्छे से बेसिक समझेंगे सारी चीजों को, देखो। तो कभी भी यहाँ पे अभी आपको अच्छे से याद रखना है कि मान लो कोई भी आपके सामने एक सरफेस है और इस सरफेस में कोई भी हीट आ रही है, हीट एनर्जी अगर आ रही है, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो क्या हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सम अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ये जो मटेरियल है अपना, ये पूरा मटेरियल है, ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, ये मटेरियल ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ अमाउंट क्या हो जाती है, ऐसे आके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये बातें हमको पता है, ठीक है। तो कुछ अमाउंट क्या होता है, अगर टोटल अमाउंट यहाँ पे आया तो कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ अमाउंट यहाँ पे एमिट यानी कि ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ अमाउंट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई भी हीट एनर्जी इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होना मतलब अराइव होना किसी भी मेटल के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर, अगर वो इंसिडेंट होती है तो सम अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट होती है, सम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट हो जाती है यानी आर पार चली जाती है, और सम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय दैट मटेरियल और मीडियम, जो भी यहाँ पे हम लोग ने मेटल यूज किया है उसके थ्रू, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, व्हेन एनी थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट सम पार्ट ऑफ इज रिफ्लेक्टेड सम पार्ट इज एब्सॉर्ब्ड सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। इस चीज को याद रखना, हम लोग ने कंसीडर कर लिया कि जो Q है ये टोटल अमाउंट ऑफ यहाँ पे हीट रेडिएशन है जो कि अपने यहाँ पे ये जो मटेरियल है इस मटेरियल पे आके क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। इंसिडेंट होने के बाद हमने अज्यूम किया कि जो QA अमाउंट है ये एब्जॉर्ब कर लिया गया, यानी कि Q का जो सम पार्ट यानी QA एक अमाउंट है जिसको एब्जॉर्ब कर लिया इस मटेरियल ने, फिर QR एक ऐसा अमाउंट है जिसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई सम एनर्जी, और दूसरा यहाँ पे QT एक ऐसा अमाउंट है, कंसीडर करो कि अमाउंट ऑफ हीट गेटिंग ट्रांसमिटेड, ठीक है, थ्रू दैट मटेरियल मीडियम या फिर थ्रू दैट मेटल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ गया होगा, बहुत ही आसान है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना टोटल क्यू है वो क्या रहेगा, इन सभी का एडिशन, भाई Q से ही ये सब के सब ट्रांसफर हुए है ना, लाइक QA हो गया, QR हो गया, QT हो गया, ये सब के सब Q से ही ट्रांसफर हुए हैं, मतलब Q से ही पार्टिसिपेट हो गया, मतलब Q से ही पार्शियली डिराइव हुए हैं, चाहे वो QA हो यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेटिंग रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, तो यानी कि QA प्लस QR प्लस QT यहाँ पे समथिंग ऐसा होगा। तो यही चीज को अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अच्छे से, यहाँ पे टोटल हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी, QA यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, ये सब के सब इक्वल किसके थे, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी के, ठीक है। ये बातें आपको समझना। नाउ अभी यहाँ पे आपको एक चीज, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, बट
इसको अभी यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि ऐसा हो गया, इसका अभी प्रूफ मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट आपको इस वाले इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 1 में Q से यहाँ पे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, Q से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये Q अपॉन Q, फिर ये क्यू ए अपॉन क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू, क्यू टी अपॉन क्यू, ऐसा बन जाएगा। जस्ट आपको इस इक्वेशन में क्यू से डिवाइड कर देना है। क्यू डिवाइडेड बाय क्यू यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे क्यू ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए हो गया, फिर उसके बाद क्यू आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आर हो गया, और क्यू टी अपॉन क्यू यहाँ पे टी आर हो गया। आप बोलोगे ये कैसे आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना जो यहाँ पे ए है, अभी इसी के बारे में हम देखेंगे अच्छे से डेफिनेशन, जो ए है, जो आर है, जो टी है, ये सभी के सभी कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट ऑफ ये ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन यानी रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। तो यहाँ पे हमने ए आर टी आर यहाँ पे ले लिया है, वेयर ए की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, टी आर की वैल्यू ये है, और ये सब के सब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेडिएशन ट्रांसमिशन, ये सब के सब है। रेडिएशन की जगह में आप रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। हीट एनर्जी कितनी रिफ्लेक्ट हुई उसका कोएफिशिएंट इज आर, और आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू होता है, ठीक है, ये होता है। अभी आपको लगा होगा ना कि ये सब कैसे आ गया यहाँ से डायरेक्टली, ये सब कैसे आ गया, ठीक है। अभी जस्ट इसको हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, एक्चुअली वो पहले बताना चाहिए, बट अगर मैं उसको पहले बता देता तो जो यहाँ पे अपने को एक रिलेशन मिल गया है, वन इज इक्वल टू ए आर प्लस टी, यहाँ पे जो ये अपने को रिलेशन मिला है, ये रिलेशन बाद में मिलता और आप और फिर आप कंफ्यूज हो जाते। तो एग्जाम में ये हमेशा पूछते हैं, तो आपको बस ऐसे ही डायरेक्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ तक ही कर देना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसा करने के बाद आप वेयर, ऐसा यहाँ पे वेयर लिख के और यहाँ पे इन सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर ये ए आर टी आर क्या होता है इन्हें समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत ही आराम से, थियरी है, कुछ ज्यादा यहाँ पे हमें जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहला जो था, यानी कि जिसे हमने ए दिया था स्मॉल, और इसकी वैल्यू होती है क्यू ए अपॉन क्यू, यही था ना। क्यू क्या होता है अपना टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्यू ए क्या होता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल, और ए क्या है इनका रेशियो। क्यू ए अपॉन क्यू को कर दोगे, मान लो कि अगर आपने 50 टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी 50 जूल और टोटल 40 अब्सॉर्ब हो गई, सो 40 अपॉन 50 का जो भी रेशियो आएगा वो क्या होगा अपना ए होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अभी हमको देखना है। अभी इसी चीज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर भी कहते हैं या एब्जॉर्प्टिविटी, कोई भी आपको अगर ये वर्ड यूज करे तो उसका मतलब एक ही होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यह एब्जॉर्प्टिव पावर कहो चाहे एब्जॉर्प्टिविटी कहो, सबके सब एक ही बातें हैं। सो होता क्या है, ये होता है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुई क्यू, और टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ क्यू ए, और ए क्या है ये रेशियो है, ठीक है। तो ये हो गया पहला कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने यहाँ पे क्यू ए अपॉन क्यू की जगह में ए पुट किया था, ठीक है, याद रखना अच्छे से, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बी देखते हैं, यहाँ पे बी वाला कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेंस, ठीक है, दोनों वर्ड सेम है, यहाँ पे आपको दोनों वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कोई भी पूछा तो वो एक ही बात है। यहाँ पे क्या होता है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, ये पॉइंट पे ध्यान देना, टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, यानी क्यू आर रिफ्लेक्टेड अमाउंट है हीट का, टोटल कितना था क्यू था और आर अपने को मिल गया। सिमिलर वे में हम यहाँ पे देखेंगे कि सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस, ठीक है, तो ये क्या होता है वही सेम रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, ठीक है, टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड क्यू टी हो गया अपॉन क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपको और इन तीनों का रिलेशन क्या है, तो इन तीनों का रिलेशन अभी हमने यहाँ पे देखो देखा है कि ए प्लस आर प्लस टी है जो, ये सब क्या होते हैं इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, सब के सब अमाउंट इक्वल टू वन, ठीक है, यानी कि जो हीट है टोटल अमाउंट इसका वन आपको ऐसे कंसिडर करना है,
ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल है 1K, ठीक है। यानी A क्या है, कितना अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब हुआ, कितना अमाउंट ऑफ R क्या है रिफ्लेक्ट हुआ, कितना अमाउंट ऑफ T है यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, ये सब के सब इक्वल होंगे 1K, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ केसेस के बारे में देख लेते हैं कि अभी अपने को रिलेशन मिल चुका है ये वाला कि A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू 1, तो कुछ केसेस समझते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ पे कंसेप्चुअल चीजें होंगी। सो केसेस है, पहला है परफेक्ट ट्रांसमीटर किसे कहते हैं, व्हाट इज परफेक्ट ट्रांसमीटर। तो परफेक्ट ट्रांसमीटर यहाँ पे ध्यान देना, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 था, ए क्या था एब्जॉर्बर, आर क्या था रिफ्लेक्टर, टी क्या था यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 1, सबका एडिशन होता है, हमने अभी अभी ये देख लिया, ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है, अभी हर जगह यही इस्तेमाल होगा और यूज भी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसमीटर, परफेक्ट ट्रांसमीटर उसे कहते हैं जो सारी की सारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसमिट कर दे, यानी किसी बॉडी में अगर कोई भी एनर्जी आ रही है क्यों, तो वो सारी की सारी क्या हो जाए यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाए, यानी कि जीरो अमाउंट क्या हो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो और जीरो अमाउंट यहाँ पे क्या हो एब्जॉर्ब हो, यानी कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये सब के सब जीरो हो, ओनली TR क्या हो 1 हो, यानी कि T इज इक्वल टू 1 आए और ये सब के सब क्या बन जाए जीरो बन जाए। तो ये होता है परफेक्ट ट्रांसमीटर, जो बॉडी ऐसा करती है उसे परफेक्ट ट्रांसमीटर कहते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड पढ़ते हैं, डाय अथरमेनस सब्सटेंस, डाय अथरमेनस याद रखना अच्छे से, डाय अथरमेनस सब्सटेंस, डाय अथरमेनस सब्सटेंस में क्या होता है आपको ध्यान से फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो डाय अथरमेनस सब्सटेंस होते हैं ये हमेशा ना ही गुड एब्जॉर्बर होते हैं और ना ही ये गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, यानी कि ना ही ये ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी को और ना ही ये ज्यादा अच्छे से किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ना ही ये रिफ्लेक्ट करते हैं ना ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, बट ये ना ही सारा का सारा ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता है अच्छे से और रिफ्लेक्ट भी नहीं करता अच्छे से सो यहाँ पे टोटल का टोटल ट्रांसमिट ही कर दे, ऐसा भी नहीं है। वो कभी भी T इज इक्वल टू 0 के तो नहीं होगा, बट यहाँ पे सम अमाउंट रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 1 भी नहीं रहेगा और यहाँ पे ऐसा 0 भी नहीं होगा, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। यानी कि क्योंकि कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हीट आ रही है तो ना तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, ना ज्यादा वहां पे एब्जॉर्ब करती है और ना ही ज्यादा ट्रांसमिट करती है, तो कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू हीट रेडिएशन जो होता है वो पास हो सकता हो उसे हम डाय थर्मिनस कहते हैं, डाय अथर्मिनस, लाइक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्वार्ट्ज, ठीक है। ये सारे के सारे मटेरियल होते हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो डायथर्मिनस में क्या होता है, जो डायथर्मिनस सब्सटेंस है ये हीट को रेडिएट करते हैं या पास करवाते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो कि ना गुड एब्जॉर्बर है और ना ही ये गुड रिफ्लेक्टर है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट अथरमेनस सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। अथरमेनस सब्सटेंस, जो अथरमेनस सब्सटेंस होते हैं ना ये ओपेक होते हैं। क्या होते हैं? ओपेक। ओपेक कहने का मतलब होता है कि ये जो सब्सटेंस है ये ज्यादा ट्रांसमिट करते ही नहीं है, यानी कि ट्रांसमिशन इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि इनके अंदर क्या होता है हमेशा, याद रखना, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन हमेशा दोनों होता है, यानी कि इनमें ट्रांसमिशन क्या होगा वो एकदम जीरो होता है अथर्मिनस सब्सटेंस में, और जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है और रेडिएशन ये हमेशा क्या रहेगा एकदम मैक्सिमम टिप में रहेगा, यानी अगर कोई भी यहाँ पे हीट आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी या तो फिर एब्जॉर्ब होगी, बट यहाँ पे ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को जो शो करते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ या तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो या तो सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो बट ट्रांसमिशन एक भी ना हो, यानी कि उस सब्सटेंस से हीट आके जा नहीं पाएगा, ठीक है, या तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा वो ऑब्जेक्ट या तो फिर खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, बट यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम अथरमेनस सब्सटेंस कहते हैं। और डायथर्मिनस में क्या था कि वो ना ही रिफ्लेक्ट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है और ना ही प्रॉपर ट्रांसमिट करवाता है, बट मोस्टली कभी कभी ट्रांसमिशन अच्छे से होता है। यहाँ पे टी इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 1 नहीं हो सकता, हमेशा ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है जिसमें 1 हो सकता है, चांसेस है, बट हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि 1 ही है, ठीक है, वो तो चांस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि होगा
होगा कि नहीं होगा, बट जीरो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो अमाउंट यानी कि एक भी ट्रांसमिट ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सम अमाउंट तो ट्रांसमिट होगा ही होगा, ये भी हो सकता है कि सारा का सारा अमाउंट भी ट्रांसमिट हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक भी ट्रांसमिट नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट तो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ऐसा होता है डायथर मेनस में, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलिए और भी केसेस देखते हैं हम अच्छे से। गुड रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं? ठीक है, देखो तो सिंपल सा पॉइंट है यार, अगर कोई भी गुड रिफ्लेक्टर यानी कि अगर कोई भी हीट एनर्जी आती है और सारी की सारी क्या हो जाए, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो एब्जॉर्ब एक भी नहीं हुई और ट्रांसमिट भी एक भी नहीं हुई। सो इसे हम क्या कहेंगे कि वो पुअर ट्रांसमिटर या फिर पुअर एब्जॉर्बर है, क्योंकि वो गुड रिफ्लेक्टर है ना। तो जब अगर वो गुड रिफ्लेक्टर है यानी कि सारी एनर्जी हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जा रही है, सो एक भी अमाउंट ट्रांसमिट नहीं हो रहा और ना ही एक भी अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है, समझा कि नहीं। यानी कि ट्रांसमिटेंस यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस क्या होगा? जीरो। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? जीरो, यानी एब्जॉर्प्टिविटी भी जीरो होगी, बस ओनली रिफ्लेक्शन क्या होगा? वन होगा। ठीक है, तो इसे याद रखना। एट द एंड आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी के ऊपर देखते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन, और इसके आगे हम इसके बारे में डीप में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो ब्लैक बॉडी जो होती है ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट, परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसे कहते हैं जो, मान लो ये मटेरियल अपना ब्लैक बॉडी है और कोई भी हीट आए और उसे पूरा एब्जॉर्ब कर ले, ना ही वो रिफ्लेक्ट करे ना ही वो ट्रांसमिट करे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी में जो यहाँ पे पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है वो भी जीरो, जो अपना ट्रांसमिशन है वो भी जीरो, बट एब्जॉर्प्शन क्या होगा? वन होगा। यानी जितना भी यहाँ पे कोई भी हीट आए वो सारा का सारा क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी में क्या होता है? ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट, सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोटेबल पॉइंट है कि कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, एब्जॉर्प्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, ट्रांसमिशन हो, ये सब के सब डिपेंड होते हैं वेव लेंथ के ऊपर, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या होता है? अपनी हीट यहाँ पे ट्रेवल करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? वेव का कुछ ना कुछ वेव लेंथ होता है। ठीक है, तो चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो हीट का, चाहे ट्रांसमिशन हो रहा हो, ये सब के सब डिपेंड होते हैं उसके वेव लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो